Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So in this lecture we are going to discuss DNA fingerprinting. DNA fingerprinting को पढ़ेंगे हम लोग और इससे related question भी हम लोग लगाएंगे, DNA fingerprinting से related MCQ भी लगाएंगे. और अगर आपको DNA fingerprinting में concept wise समझाने की कोशिश करूँगा, 30 to 40 minutes का lecture होगा, बने रहिएगा. और आखिरी में आके golden lines भी शेयर करूँगा इस टॉपिक की. golden lines क्या है? golden lines वो lines हैं, अगर आपको पूरा ये टॉपिक नहीं समझ में आए, कोशिश तो करूँगा भाई कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन फिर भी समय बहुत कम है, आपके पास हार्डली 50 डेज बचे. और अगर आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो कुछ लाइन्स हैं स्पेशल लाइन, गोल्डन लाइन, जो मैं कहूँगा कि इनको आप ज़रूर से अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए, ताकि इसी से आपको क्वेश्चन मिलेगा. ये देखिए, ये मैंने आपके लिए सेग्रीगेट करी हुई है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, जो आपको ये 15 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं. अगर ये आप याद कर लोगे तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लगाओगे. ठीक है जी, ये आखिरी में आके मैं आपको शेयर करूँगा और आपसे कहूँगा कि इसका आप लोग ले लो स्क्रीन शॉट. और इन सब लाइन्स को मैं आपको पहले एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश यही रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ. लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई अब आखिरी दिन चल रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं है हम लोग के पास, और समय ना होने की वजह से इतना बड़ा रिस्क हम लोग नहीं ले सकते हैं कि आपके मैं 2 घंटे इसमें इस टॉपिक के आपके इन्वेस्ट कराऊँ. ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कोशिश रहेगी कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, अच्छे से हम लोग पढ़ लें. तो पहले तो मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपनी एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी बेस आप पढ़ लीजिए और चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. तो चलिए चालू करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पढ़ेंगे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो 99% ऑफ बेस सीक्वेंसेस अमंग ह्यूमंस इज द सेम. भाई राम प्रकाश एक सज्जन है, और एक सज्जन है श्री प्रकाश, और एक सज्जन है श्याम लाल, और एक सज्जन है ताहिर हुसैन, ताहिर जाकिर या कोई भी एक्स वाई जेड. तो राम प्रकाश, श्री प्रकाश, ताहिर जी, जाकिर जी, डेविड, संता सिंह, बंता सिंह, ये कोई भी हैं जो सज्जन मैंने एट रैंडम नाम लिया, तो 99% बेस सीक्वेंस सब में सेम है. कितनी क्या उनमें डिफरेंस मिल रहा है? 99.9% बेस सीक्वेंस डीएनए जो है सबका सेम है, भले वो कोई भी हो. ठीक है जी, कितना डिफरेंस है? केवल 0.1% डीएनए डिफरेंस है. और वही 0.1% डीएनए डिफरेंस होने की वजह से मैं मोंगा, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, और मेरे बगल में सोनकर साहब जो रह रहे हैं मेरे नेबर, उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, और नीचे वर्मा जी जो रह रहे हैं उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो इसी वजह से है, 0.1% डीएनए की वजह से. ठीक है, तो 99% ऑफ बेस सीक्वेंस ऑफ अमंग ह्यूमन इज सेम. पहला तो यही गोल्डन लाइन है, आपको पता होना चाहिए. एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम 3×10⁻⁹ बेस पेयर, इन हाउ मैनी बेस सीक्वेंसेस वुड देयर बी डिफरेंस? तो ह्यूमन जीनोम को अगर हम लोग देखें, ह्यूमन जीनोम में 3.3×10⁹ बेस पेयर होते हैं सिंगल जीनोम में. अब जीनोम क्या है? जीनोम इज अ कम्प्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम. तो एक पूरा सेट है क्रोमोजोम का, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, मदर से या फादर से. 3.3×10⁹ ये ह्यूमन जीनोम का इतने बेस पेयर का बना होता है, 3.3×10⁹. ओके जी, तो ह्यूमन जीनोम हैप्लॉयड नंबर जो है एन वैल्यू में एक जीनोम में 3.3×10⁹ बेस पेयर से बना. तो अगर हम बोल रहे हैं 3.3 या 3.3×10⁹ बेस पेयर का ह्यूमन जीनोम है, और 0.1% केवल डिफरेंस है, तो डिफरेंस वाला पार्ट कितना? डिफरेंस वाला पार्ट है 3.3×10⁵. केवल ये इतने बेस सीक्वेंसेस अलग हैं, बेस पेयर अलग हैं, बाकी के सेम है हर किसी में. इट इज़ दिस डिफरेंसेज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस. और यही जो 3.3×10⁵ बेस पेयर वाला जो डीएनए है, यही इसी की वजह से हर इंडिविजुअलिटी की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक अपीयरेंस है, फिनोटिपिक अपीयरेंस है. इफ़ वन एम टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेज बिटवीन टू इंडिविजुअल और अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, सीक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी अ डॉन्टिंग टास्क एंड एक्सपेंसिव टास्क. अब अगर हमारा ये एम है कि हम फिगर आउट करना चाहते हैं, जेनेटिक डिफरेंस फिगर आउट करना चाहते हैं बिटवीन ए एंड बी इंडिविजुअल,
तो हर बार आप इसकी भी जीनोम की पूरी सीक्वेंसिंग करें, इसके भी जीनोम की पूरी सीक्वेंसिंग करें, कंपेयर करें, तो बेटा जब मैंने आपको बोल ही दिया कि 99.9% तो सेम है, तो हम किसको टारगेट करें? अगर हमें इनमें डिफरेंस निकालना, तो हम ये जो 0.1% वाला सेगमेंट है इसको हम टारगेट करें। इसके लिए हम क्यों सर खपाई करें भाई? है क्या एक के पास NCERT की बुक है और एक के पास कोई दूसरे पब्लिकेशन की बुक है, मानो दिशा पब्लिकेशन या आपका कोई भी पब्लिकेशन कह लीजिए, पियर्सन पब्लिकेशन या MTG या कुछ भी। तो चलिए दिशा का आप एक लगा रहे हैं MCQ का, बायोलॉजी का क्वेश्चन का बैंक, और एक आप MTG का लगा रहे हैं क्वेश्चन बैंक। हम कह रहे हैं जी उसमें 99.9% तो सेम है। अब आप दिशा का पब्लिकेशन का लगा चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए, उसके आप क्वेश्चन 100 में से 100 क्वेश्चन आप कर चुके हैं आप DNA फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड। अब MTG के आप करने बैठते हैं तो आपके लिए क्या रहेगा भाई? समझदारी यही रहेगी कि 100 में से 99 तो सेम है, 1% वाला जो फ़र्क है आप उसको टारगेट कर लें। अब आप कहोगे जी जब तक हम 100 रीड आउट नहीं करेंगे हमें कौन सा पता लगेगा, लेकिन अगर हम आपको ये गाइड कर दें कि भाई ये जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ये आपको 1-5 में ही मिल रहा, या 95-100 के बीच में ही कहीं पे मिल रहा, या 50-55 के बीच में कहीं पे डिफरेंस मिल रहा, तो आप उसी को केवल उन्हीं को टारगेट करोगे और वहीं पे वो जो आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहा, एक्स्ट्रा नहीं मतलब डिफरेंट मिल रहा, आप उसको टारगेट करना चाहोगे। वही चीज़ आप अगर ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करके दो इंडिविजुअल के DNA को कंपेयर करना चाहते हैं तो 99.9% तो सेम है, तो आप उसकी सीक्वेंसिंग क्यों करोगे, अपना समय क्यों खराब करोगे? बहुत उबाऊ और बहुत खर्चीला काम है। आप किसको टारगेट करोगे? 0.1% वाले को। अगर आपको ये पता लग जाए कि ये 0.1% वाला कहाँ पे है, वो सीक्वेंसेस वो हम कहाँ पे देखें उसके लिए, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये अपने आप में एक बड़ा उबाऊ खर्चीला है कार्यक्रम। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3×10⁶ बेस पेयर। अब आप ये कंपेयर करो कि 3×10⁹ बेस पेयर की जगह आप किसको टारगेट कर लो, 3×10⁶ बेस पेयर को, 0.1% इतना ही बनेगा ना। 3×10⁹ का 0.1% कितना होगा? 3×10⁹ का 0.1% होगा 3×10⁶ बेस पेयर। इतना आपको करना पड़ रहा था, लेकिन आपको 100 श्लोक या 100 पन्ने DNA इसके याद करने पड़ रहे थे NCERT के, अब आपको केवल एक भी नहीं 1000 पन्ने याद करने पड़ रहे थे, अब आपको केवल एक पन्ना याद करना पड़ा, कितना इजी हो जाएगा। वही चीज़ है कि 3×10⁹ बेस पेयर की सिक्वेंसिंग नहीं करने की जगह, आप कंपेयर करने की जगह अब आपको 3×10⁶ बेस पेयर को कंपेयर करना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज क्विक वे टू कंपेयर द DNA सीक्वेंसेज ऑफ एनी टू इंडिविजुअल। दूसरी आपकी गोल्डन लाइन ये है, पहली गोल्डन लाइन थी 99% बेस पेयर जो है अलग है, ये वाली भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपकी पहले ही डिस्कस हो चुकी है इस क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के शुरुआत में, जहाँ पे इन्होंने DNA के बारे में आपको जानकारी दी। तो ये दो बातें अभी तक हम लोग को दो गोल्डन लाइन है, जो मैंने कहा भाई आपको अगर पूरी तरह सेकेंड एक्ट नहीं और नहीं समझ में आ रहा तो इतनी लाइनें रट जाओ बेटा, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ, आइए आगे चले। DNA फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व, अब DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या करना है? डिफरेंसेज इन सम स्पेसिफिक रीजन इन DNA सीक्वेंसेस कॉल्ड रिपीटेटिव DNA। DNA फिंगरप्रिंटिंग में हमें आइडेंटिफाई करना है डिफरेंसेज किस में, वो 0.1%, वो 0.51% आपको कहाँ ढूंढने को मिल सकता है रिपीटेटिव DNA में, वो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सम स्पेसिफिक रीजन में ये आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ए इंडिविजुअल बी से डिफर कर रहा, बाकी तो सेम है 99.9%, केवल 0.1% डिफर है, और वो डिफरेंसेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? स्पेसिफिक रीजन DNA के सीक्वेंस के स्पेसिफिक रीजन में देखने को मिलेंगे, जिसको हम रिपीटेटिव DNA बोलते हैं। अब इनको रिपीटेटिव DNA क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। पहली बात तो भाई आपको ये डिफरेंसेस जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है, कौन से स्पेसिफिक रीजन में DNA के देखने को मिलेंगे, आपका जवाब होगा रिपीटेटिव DNA। अब आपसे पूछा जा सकता है रिपीटेटिव DNA क्या है, व्हाट इज दैट? बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA इज रिपीटेड मैनी टाइम। तो इसमें क्या होगा, मानिए ATCG, इसका बार बार रिपीटेशन होगा, कई बार रिपीटेशन होगा, रिपीटेड मैनी टाइम, इसीलिए इसको रिपीटेटेड। ये ATCG एक इमेजिनरी मैंने सीक्वेंस ली है, वो AATTCC भी हो सकती है, वो TATACC, TATACC, TATACC,
कुछ भी हो सकती है। तो ये जो बेस सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लियोटाइड की, बेस की सीक्वेंसेस है, कोई भी एक सीक्वेंस का बार बार रिपीटेशन जहाँ देखने को मिल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं रिपीटेटिव डीएनए। दिस रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए। अब इसको सेपरेट कैसे किया, कैसे रिपीटेटिव डीएनए आपको पता लगा कि इस वाले डीएनए का, ये जो डीएनए आपने निकाला, आपने डीएनए किसी सेल से निकाला, तो 2.2 मीटर लॉन्ग लगभग आपका डिप्लॉयड का कंटेंट का डीएनए की लेंथ होती है इतनी, ह्यूमन की सेल में 2.2 मीटर लगभग होती है। अब उसको कैसे आप रिपीटेटिव डीएनए अलग करेंगे, उसको कैसे अलग करेंगे, तो ये पूरे डीएनए का आपने क्या करा दिया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराने से आपका बल्क जीनोमिक डीएनए और स्मॉल पीक्स बन जाएंगे। खूब सारा डीएनए एक जगह एकत्र हो गया है, बल्क जीनोमिक डीएनए जिसको बोलेंगे, और स्मॉल पीक्स बन जाएंगे जिनको हम सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक, ज़्यादातर डीएनए एक मेजर पीक बना देगा जिसको बल्क जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं, एंड अदर स्मॉलर पीक्स, और कुछ स्मॉल पीक्स बन जाएंगी, छोटी छोटी चोटियाँ बन गई, रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए डिपेंडिंग अपॉन बेस कंपोजिशन। अब ये सैटेलाइट डीएनए को हम फर्दर दो कैटेगरी में बांटेंगे, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। उसका क्या बेसिस है, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, किस बेसिस पे हमने ये सैटेलाइट डीएनए को बांटा है दो कैटेगरी में, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, वो समझिए आप। पहला क्राइटेरिया है ए टी सी जी रेशियो, कि कौन से बेस सीक्वेंसेस, कौन से बेस पेयर ज़्यादा है, एडिनिन थाइमिन का बेस पेयर का ज़्यादा है या साइटोसिन गुआनिन का ज़्यादा है। तो बेस कंपोजिशन ए टी रिच है और जी सी रिच है। लेंथ ऑफ सेगमेंट अभी मैंने आपको आइडिया दिया था, ए टी सी जी, वो चार न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन है कि छः न्यूक्लियोटाइड का, कि पाँच का, कि तीन का, कि बारह का, कि दस का, लेंथ ऑफ सेगमेंट पे और नंबर ऑफ रिपीटेटिव टाइप। अब ये ए टी सी जी चार न्यूक्लियोटाइड की बेस सीक्वेंस, और ये 100 बार रिपीट हुई है, कि 10 बार रिपीट हुई है, कि 12 बार रिपीट हुई है, कि 24 बार रिपीट हुई है, कितनी बार रिपीट हुई है, तो इस कैटेगरी पे हम इसको बांटेंगे किसको, सैटेलाइट डीएनए को। सैटेलाइट डीएनए क्या है, सैटेलाइट डीएनए आपने किसी सेल से, उसके न्यूक्लियस से, यूकैरियोटिक सेल के किसी सेल से आपने क्या निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया, फिर उसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, दो तीन चार पीक आपको मिल गई, ये बल्क जीनोमिक डीएनए। खूब सारा डीएनए एक जगह मेजर पीक बना दी, वो कहलाएगा जीनोमिक डीएनए, बल्क जीनोमिक डीएनए, और ये डीएनए कहलाएगा आपका सैटेलाइट डीएनए। ये रिपीटेटिव डीएनए ही इधर एकत्रित हो जाता है, हमें रिपीटेटिव डीएनए को टारगेट करना है। रिपीटेटिव डीएनए ही वो डीएनए है जिसमें आपको ए और बी के बीच में जो फ़र्क देखने को मिल रहा है, फिनोटिपिकली 99.9% तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, केवल 0.1% डिफर है, जिससे हमारी दीपिका श्रद्धा से अलग है। तो क्यों अलग है दीपिका श्रद्धा से, कि 0.1% उसका डीएनए अलग है। वो डीएनए अगर आप टारगेट करना चाहो तो कहाँ मिलेगा, आप पूरा डीएनए निकालिए, उसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा दीजिए, बल्क जीनोमिक डीएनए ये तो दोनों का सेम, उसको ना टारगेट करिए। अब उसकी सीक्वेंसिंग करने का उसकी कोई फ़ायदा नहीं, हमें सैटेलाइट डीएनए को टारगेट करना है। सैटेलाइट डीएनए में भी इसको भी हम बांट देते हैं मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में, किस आधार पर, कि उसमें ए टी या सी जी किस बेस सीक्वेंस के ज़्यादा पेयर हैं, ए टी रिच है कि सी जी रिच है। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिपीटेशन जो हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है, ए टी सी जी जी सी, 6 या 8 या जो जितने भी हैं, और कितनी बार ये रिपीट हुआ, हाउ मेनी टाइम डज इट गेट रिपीटेड, द लेंथ ऑफ द डीएनए स्ट्रेच, डीएनए स्ट्रेच की लेंथ कितनी है, ए टी सी जी रेशियो, ए टी ज़्यादा है उसमें बेस पेयर बॉन्डिंग या सी जी ज़्यादा है, या कितनी बार रिपीट हुआ है। इन तीन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम सैटेलाइट डीएनए को बांट देंगे दो में, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इन टू मैनी कैटेगरी सच एज मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, कई सारी कैटेगरी, लेकिन दो आपको ध्यान में रखनी है, मिनी और माइक्रो। इसमें से भी जो एलेक जेफरी साहब ने यूज़ किया था, मिनी सैटेलाइट कैटेगरी को यूज़ किया गया था, क्वेश्चन ये फॉर्म होता। तो ये तीसरी आपकी गोल्डन लाइन है, इसको आपने याद रखना है
कि रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, और रिपीटेटिव डीएनए को सैटेलाइट डीएनए क्यों बोल रहा हूँ, सैटेलाइट डीएनए को आप कई कैटेगरी में बांट रहे हो, कौन कौन सी मिनी और माइक्रो उसमें दो हैं, और उसका क्राइटेरिया क्या है। दिस सिक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, और ये जो डीएनए की सीक्वेंस है ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रही, बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन ह्यूमन जीनोम का काफ़ी बड़ा भाग बना रही। दिस सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और यही सीक्वेंसेस जो है मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट या सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए, इसमें बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। पॉली, पॉली का मतलब मैनी, मल्टीपल, बहु हिंदी में बोलूँ तो बहु कई सारी, मॉर्फिज्म मॉर्फिज्म रूप, पॉलीमॉर्फिज्म बहु रूप, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव डीएनए शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म या सैटेलाइट डीएनए शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अब किसी भी इंडिविजुअल के, वर्मा जी के कोई भी बॉडी की सेल हो, उसमें से किसी भी सेल से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सेम होगा। फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो हर सेल में जब डीएनए सेम है तो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, किसी भी आप भले आईलिड की सेल का, आईलिड से आप सेल से निकाल लीजिए, भले एपिडर्मिस की सेल से आप निकाल लीजिए, भले आप सलाइवरी ग्लैंड की सेल से निकाल लीजिए, आप किसी भी सेल से डीएनए निकाल के उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म सेम डिग्री का दिखाई देगा, क्योंकि डीएनए सेम है हर सेल में, किसी भी इंडिविजुअल की हर सेल में सेम डीएनए होता। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेन एप्लीकेशन, क्योंकि सेम डिग्री ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहा, तो एक महत्वपूर्ण औजार, आइडेंटिफिकेशन टूल है, एक महत्वपूर्ण तरीका है किस चीज़ का, फॉरेंसिक एप्लीकेशन में अप्लाई करने का। फॉरेंसिक एप्लीकेशन तो अगर हम लोग बायोलॉजी में यूज़ करें चीज़ों को, क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके संदर्भ में अगर हम बायोलॉजी की फाइंडिंग्स को इस्तेमाल करें तो फॉरेंसिक एप्लीकेशन कहलाती है। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। तो सच एज पॉलीमॉर्फिज्म, फर्दर पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये पॉलीमॉर्फिज्म आनुवंशिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पेरेंट्स से बच्चों में जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसलिए बेसिस बनाता है किसका, पैटर्निटी टेस्टिंग का। मानिए एक सज्जन, आपको ध्यान हो, एक सज्जन थे ए, जिन्होंने एक लीडर को क्लेम कर लिया था कि ये मेरे पिताजी, यहाँ आप आजकल सुनते होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जाती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से निर्धारित किया जा सकता है कि ए के फादर बी हैं कि नहीं, क्योंकि अगर फादर बी है तो इसका कुछ डीएनए क्या 23 क्रोमोजोम इसके इसमें आए हैं। 23 क्रोमोजोम किसमें आए हैं, मदर से, 23 क्रोमोजोम फादर से, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा, ये जो ए है, बी इसके पिता है कि नहीं, अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो। डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में, पैटर्निटी टेस्टिंग में, इन केसेस ऑफ डिस्प्यूट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बेस बनाती है जिसके आधार पर आप निर्धारित कर सकते हो कि ये लोग रिलेटिव है कि नहीं। एस पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेस बना रहा किस चीज़ का, इसके आधार पर आप जेनेटिक मैपिंग भी कर सकते हैं ह्यूमन जीनोम की, जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 2022 में पूछा गया है नीट में कि पॉलीमॉर्फिज्म किस चीज़ का, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिस है किस चीज़ का, जेनेटिक मैपिंग का ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि इसके आधार पे हम जेनेटिक मैपिंग कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, बहुरूप जेनेटिक लेवल, जीन्स के लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं। अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन, और वो क्यों हो गया है पॉलीमॉर्फिज्म क्यों हो गया, अरे भैया म्यूटेशन से, भगवान ने तो एक ही तरह का बना के भेजा था वाइल्ड या डोमिनेंट, उसमें जो म्यूटेशन हुआ उसकी वजह से रिसेसिव एलील और बन गया, ठीक है जी। एक आपको
ये डीएनए की सीक्वेंस बना के दी गई, उसमें म्यूटेशन होने से रिसेसिव एलील अस्तित्व में आ गया। म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन है सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए क्या है? पॉलीमर। किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एक से दूसरे जुड़े हुए हैं, किससे? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होकर क्या बन गया? डीएनए एक लंबा पॉलीमर, डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? एक आपकी पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर से जब आपकी अटैच हो जाता है हमारा प्यूरिन या पिरिमिडिन नाइट्रोजिनस बेस, तो न्यूक्लियोसाइड, और उससे जब अटैच हो गया फॉस्फेट मॉइटी तो हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें नाइट्रोजिनस बेस अगर चेंज हो जाए तो आइदर द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज और द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज और द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज, दैट विल कॉज म्यूटेशन। तो मानिए ए टी सी जी जी सी ये है। अब या तो इसका नंबर ये 6 से बना था 7 हो जाए, आइदर द नंबर गेट चेंज म्यूटेशन हो गया, और द टाइप गेट चेंज, ए टी सी जी जी सी ओरिजिनल था इसकी जगह ए ए सी जी जी सी हो गया म्यूटेशन हो गया, और द सीक्वेंस गेट चेंज, ए टी सी जी जी सी था वो यही रहा, ए टी सी जी 6 के 6 ही रहे, टाइप भी यही रहा 6 के 6, लेकिन सीक्वेंस बदल गई, ए टी सी जी की जगह टी ए सी जी हो गया। तो टी ए मानिए जो मैंने बच्चा बात बोली ये था ए टी सी जी, या तो इसकी सीक्वेंस बदल जाए, सीक्वेंस बदल गई कि टी पहले नंबर पे आ गया, ए दूसरे नंबर पे हो गया, म्यूटेशन हो गया, या इसकी नंबर बदल जाए कि ये 6 से था 5 हो जाए 7 हो जाए, और या टाइप बदल जाए कि ए टी सी जी था उसकी जगह ए ए सी जी हो गया, तो ये सब कहलाता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होने से नया एलील बन जाता, तो पॉलीमॉर्फिज्म एराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है म्यूटेशन। रिकॉल डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन देयर इफेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 5, उसको छोड़िए आगे बढ़िए ये इतना समय नहीं है। न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल और जर्म सेल। अब हमारी बॉडी में दो तरह की सेल हैं, सोमेटिक सेल्स, जो हमारा सोमा का मतलब होता है बॉडी, काया, जो हमारी बॉडी की वो सोमेटिक सेल्स बॉडी की सेल्स हैं, और जर्म सेल्स, जर्म सेल्स जिससे गैमेट बन गए। तो म्यूटेशन दोनों में हो सकता है। इफ़ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन। तो अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ, या तो सोमेटिक सेल में हो सकता है या जर्म सेल में, ठीक है जी। अब जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ लेकिन उसने उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को अफेक्ट नहीं किया, ए में और बी में, दो में हुआ मानिए, और ए उस म्यूटेशन होने की वजह से वो कैसा हो गया? वो इनफर्टाइल हो गया। तो म्यूटेशन का आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जब वो रिप्रोडक्शन करने के लायक ही नहीं रहा तो म्यूटेशन हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन बी इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी जर्म सेल में म्यूटेशन तो हुआ लेकिन उसने उसकी कैपेबिलिटी को रिप्रोड्यूस करने की इफेक्ट नहीं किया, तो बी के जब ऑफस्प्रिंग होंगे तो म्यूटेशन आगे कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे? इनहेरिटेंस से, ठीक है। हैविंग ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, तो म्यूटेशन आगे ऑफस्प्रिंग में चला गया, इट कैन स्प्रेड टू पॉपुलेशन, और धीरे धीरे पॉपुलेशन में स्प्रेड कर जाएगा, ठीक, टू अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब एज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। इसको रट लीजिए और समझना हो तो 5 मिनट मेरे से समझ लीजिए। एलील की फ्रीक्वेंसी, एलील सीक्वेंस वेरिएशन, अब आप जानते हो ये एक जीन है, ये जीन ए टी सी जी ए टी सी, ये जीन की आपकी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, इसमें म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन होने के बाद ये हो गया ए टी सी जी, मैंने लिखा था ए टी सी सी हो गया, और ए टी सी, ठीक है, ये इसका एलील बन गया। एलील क्या है? जीन्स विच आर कोडिंग फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जीन्स कोडिंग फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर कॉल्ड एलील। वो जीन्स जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए कोड करते हैं वो एलील कहलाते हैं, और हम लोग कह सकते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन,
स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, वो एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। तो म्यूटेशन होने से ही एक एलील और बन गया, और ज़्यादातर केस में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि दो एलील, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है, अपने 12 के लेवल पे हम लोग ये स्टडी करते हैं। लेकिन अगर एक तीसरा एलील बन जाए तो हम लोग कहते हैं मल्टीपल एलील का केस हो गया, जैसा कि आप जानते हैं जीन आई विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन RBC। ये जीन AI के तीन रूप है, IA, IB और I, ठीक है। ए के IA की वजह से, इस एलील की वजह से ए टाइप की शुगर बन जाती है, बी की वजह से बी टाइप की शुगर बन जाती है, और आई की वजह से कोई भी शुगर नहीं बनती, ठीक, ये आप जानते हैं। और इसी के आधार पे आपने ABO ब्लड ग्रुपिंग करी है। तो ये मल्टीपल एलील का केस है, एक तीसरा एलील भी है। अब आपने हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसमें लिखता है कि P+Q=1, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में P+Q=1, ये डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, ये रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी, सम टोटल इनका 1 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ कह रहा है एक तीसरा एलील बन गया, सपोज एक तीसरा एलील बन गया R, तो उससे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी 0.6 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.4 थी, सम टोटल 1 था। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई मानिए 0.59, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 0.39, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.02, ठीक है, R की। जब इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो जाएगी, जब इसकी फ्रीक्वेंसी R की फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन में, तब हम बोलेंगे ये पॉलीमॉर्फिज्म का DNA पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये हुई कहानी DNA पॉलीमॉर्फिज्म, इफ़ मोर देन 1 वेरिएंट एट अ लोकस, एक वेरिएंट तो होगा, एक ये आपका एली जीन था, एक इसका एलील बन गया, ये हमारा डोमिनेंट एलील कैपिटल ए, ये इसका लोअर केस ए बन गया रिसेसिव एलील, एक और बन गया ए स्टार, तीसरा एलील आ गया, तो मल्टीपल एलील का केस हो गया, ये कहलाएगा मल्टीपल एलील का केस। कब, किस सूरत में, जब ये जो तीसरा एलील बना है उसकी ह्यूमन पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो जाए, तब ये कहलाएगा। नहीं तो ऐसे तो पॉइंट ए स्टार भी है, ए आपका हैशटैग भी है, ए आपका माइनस भी है, ए प्लस की कई सारे एलील हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी अभी 0.01 से कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से कम है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस में नहीं काउंट किए जाएंगे, ये पॉलीमॉर्फिज्म के केस में काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो गई। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो समझ लो, एलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सारी बातें आपके दिमाग में स्टक करती हैं, आप थोड़ा सा इससे परेशान हो, तो क्या लिख रखा है यार ये, एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ DNA पॉलीमॉर्फिज्म इफ़ मोर देन 1 वेरिएंट, अगर एक से ज़्यादा वेरिएंट, तीसरा एलील आ गया, इफ़ मोर देन 1 वेरिएंट एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। तो लोकस क्या है, आप जानते हैं पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर पर्टिकुलर प्लेस पे होता, जैसे जीन आई विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, अभी बोला था फॉर टाइप ऑफ शुगर फलाना ढिमकाना, फॉर द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन RBC, दैट जीन आई सिचुएटेड ओवर द क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता, आपकी NCERT में नहीं दिखा, लिख लो। अब ये जीन आप जानते हो IA, IB और I, तीन तरह के फॉर्म में है, लेकिन पर्टिकुलर एक ही जगह लोकस पे है, वर्मा जी कानपुर में रहते हैं बर्रा MIG 6 में, तो वर्मा जी कानपुर में बर्रा 6 MIG में ही आपको मिलेंगे, ये 9 नंबर के क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर लोकस पे, वो पोजीशन, वो स्थान जहाँ पे जीन होता लोकस कहलाता, उस लोकस पे इसकी अकरेंस है। अब इस अकरेंस पे एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, इस पे आ जाइए, मानिए 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में क्रोमोसोम कितने 9 होंगे, क्रोमोसोम 9 होंगे 200, क्योंकि हर इंडिविजुअल में 2 क्रोमोसोम है, 1 से लेके 23 तक, 1 to 23, 1 से 22 ऑटोसोम्स और एक आपका एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम आइदर एक्स और वाई, जो आपको गैमेट से मिल रहा है मेल या फीमेल फादर या मदर से, तो 23 क्रोमोसोम आपको फादर से मिले, 23 क्रोमोसोम आपको मदर से मिले, आपके पास टोटल 46 हो गए, जिसमें से 22 पेयर हैं किस चीज के, 22 पेयर हैं ऑटोसोम्स के 1 to 23, और 23rd जो क्रोमोसोम का पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम है XX है फीमेल में, XY है मेल में, ओके।
तो पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे, पर्टिकुलर लोकाई पे पर्टिकुलर जीन होता है, उसका एक नया वेरिएंट आ गया। नया वेरिएंट आने से पहले पी प्लस क्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 1 थी। पी की फ्रीक्वेंसी 0.7 तो इसकी 0.3, पी की फ्रीक्वेंसी 0.8 तो इसकी 0.2। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो इसको मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा था। मानिए 100 इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में, उसमें 200 क्रोमोसोम है। 200 क्रोमोसोम में मानिए 120 बार क्रोमोसोम, ये जो हम लोग 220 हम लोग जीन एक ही बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी भी क्रोमोसोम पे, ऑटोसोम पे ये जीन है, तो इसकी अपीयरेंस 120 बार है, 120 टाइम्स आउट ऑफ 200 डोमिनेंट एलील हैज अपीयर्ड, और रिसेसिव एलील की अपीयरेंस 80 टाइम्स है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो कैसे निकालेंगे? तो एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला है, द नंबर ऑफ टाइम दैट एलील अपीयर्ड इन द पर्टिकुलर पॉपुलेशन 80 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दैट जीन अपियर इन दैट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी ये हो गया कितने, 40% है, मतलब 0.4 फ्रीक्वेंसी है, 40% ये अपियर हुआ है, 0.4 फ्रीक्वेंसी है इसकी रिसेसिव एलील की, और 0.6 फ्रीक्वेंसी भाई रेस्ट किसकी हो जाएगी, डोमिनेंट एलील की, वो भी निकाल लीजिए फिर से वही 120 द नंबर ऑफ टाइम दैट एलील अपियर इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम दैट जीन अपियर इन दैट पॉपुलेशन। तो जीन की अपीयरेंस 200 टाइम्स है, 200 टाइम जीन की अपीयरेंस है, लेकिन डोमिनेंट एलील की अकरेंस 120 टाइम्स है मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया जी, हो गया हमारा 60%। 60% का मतलब 0.6, तो 0.6 फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी, 0.4 फ्रीक्वेंसी हो गई इस वाले की। अभी कैलकुलेट किया था, 80 डिवाइडेड बाय 200 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 80 आएगा, 0.6 0.4। अब एक तीसरा एलील बन गया, अभी तक ये था, अब तीसरे एलील, अब ये समझो आप 100 इंडिविजुअल में 200 बार ये पर्टिकुलर जीन आया है। इस वाले की अपीयरेंस, इसकी पहले 120 थी, इसकी 80 थी, अब इसकी अपीयर रह गई 118 और इसकी रह गई आपकी 78, मतलब 4 टाइम्स ये अपीयर हुआ, 4 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 200 2 4, यही है ना, 4 बार ये आया है डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 2 2, तो ये 2%, 2% का मतलब 0.02, 0.02 का मतलब 0.01 से ज़्यादा कैसा हो चुका है, ये हो चुका है इस समय पॉलीमॉर्फिज्म का केस। लेकिन अगर अगर ये 100 200 जो थी, 120 और 80 थी, लेकिन अभी हमने कैलकुलेशन में ये माना कि अभी ये 118 हो गई गिर के फ्रिक्वेंसी अपीयरेंस इसकी, और ये 80 से 78 हो गया, मानिए 120 थी 119 हो गई और इसकी 80 थी 79 हो गई, मतलब टोटल इन ऑल 2 टाइम्स ही अपीयर हुआ, 2 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 2 1, 1% का मतलब 0.01, मतलब ये बॉर्डर लाइन पे है कि ये 0.01 ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर आप इसको आप रट लो, समझने की कोशिश ना करो। समझाने की मैंने कोशिश करी है कि कहने का इसका, यहाँ से ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म कब कंसीडर करते हैं? जब उस पर्टिकुलर एलील की, जो म्यूटेशन से एलील बना है, उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.01 से ज़्यादा हो जाए। तो 100 इंडिविजुअल में 200 टोटल इन ऑल वो क्रोमोसोम है, 200 बार वो जीन आया है, दो बार अगर 200 में से दो बार अगर ये पर्टिकुलर एलील की अकरेंस हो गई तो 0.01 ग्रेटर देन 0.01, जैसे इससे ज़्यादा हुआ बॉर्डर लाइन पे है, पॉलीमॉर्फिज्म का केस कहलाएगा। इन सिंपल टर्म्स, तो आसान शब्दों में बोले, उलझ गए आप लोग, आसान शब्दों में बोले, इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रिक्वेंसी, कि अगर हम बोले इनहेरिटेबल, ऐसा म्यूटेशन जिसका इनहेरिटेंस हो रहा है और जब ह्यूमन पॉपुलेशन में वो काफ़ी मात्रा में हाई फ्रिक्वेंसी में मिल रहा है, तो दूसरे शब्दों में 1% से ज़्यादा तो हाई मात्रा मानी जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी में मिल रहा है, तो उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। क्लियर? हाँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट। अब इसकी निकलने की, इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म के चांस आपको कहाँ पे जाना है भैया? नॉन कोडिंग सीक्वेंस डीएनए के वहाँ पे जाना, क्योंकि जो कोडिंग सीक्वेंस है अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो कोडिंग सीक्वेंस क्या, डीएनए एक्सप्रेशन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस क्या है, हमारे जीन है, और जीन का एक्सप्रेशन क्या है, जीन का एक्सप्रेशन है सेंट्रल डॉग्मा, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जीन
डीएनए पे बनेगा आरएनए और मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बनेगी प्रोटीन जो कि ज़्यादातर केस में एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रही है। अब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनोटाइप इफेक्ट होगा, या ऐसा हो सकता है कि उसकी कैपेबिलिटी को, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी को इफेक्ट कर दे, बंदा सर्वाइव ही ना करे, तो स्प्रेड कैसे होगा? पॉपुलेशन में म्यूटेशन हुआ तो उसी के साथ जय जय राम, उसी के साथ वापस अलविदा। लेकिन यहाँ पे जब ये इस चीज़ की संभावना ऐसे वेरिएशन की जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बन रहा है कहाँ पे मिलने की है, ऐसी जगह पे नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस पे है, क्योंकि ऐसे म्यूटेशन इन दी सीक्वेंस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट, कोई भी इमीडिएट इफेक्ट कॉज नहीं कर रहे और इम्पैक्ट कॉज नहीं कर रहे इंडिविजुअल की रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे। दिस म्यूटेशन कीप ऑफ एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इस तरह के म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये इकट्ठे होते चले जाते हैं एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म, और यही वेरिएशन आगे चल के डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में सामने आ जाते हैं, जब उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा हो जाए, कितनी ज़्यादा हो जाए, 0.01 से या 1% से ज़्यादा हो जाए, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के तौर पे कंसीडर करने क्या लिए जाते हैं। देयर इज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन टू वेरी स्केल वेरी लार्ज न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो म्यूटेशन हो रहा, म्यूटेशन आप जानते हैं पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड हमने आपको भी एग्जांपल दिया ATCG, ATCG, GACG, मानिए ये कोई जीन की सीक्वेंस है, उसमें केवल ये अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड टाइप बदल जाए, उसकी सीक्वेंस बदल जाए या उसका नंबर बदल जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये म्यूटेशन हो गया। तो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हो सकता है, या वेरी लार्ज स्केल की पता लग रहा है, इतनी सारी लंबा स्ट्रेच उसमें म्यूटेशन हो गया। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन छत पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इवोल्यूशन और स्पेसिएशन में इस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यू विल स्टडी दिस डिटेल इन हायर क्लास, लेकिन यहाँ पे इतना ही रख लेना आपके लिए काफी है कि पॉलीमॉर्फिज्म का रोल म्यूटेशन में भी है, पॉलीमॉर्फिज्म का रोल स्पेसिएशन में भी है, इवोल्यूशन में भी है, ठीक है। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी, एलेक जेफरी का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की टेक्निक किसने इस्टेब्लिश करी, स्थापित करी, एलेक जेफरी ने। ही यूज सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, उसने सैटेलाइट डीएनए को टारगेट किया था, और ये सैटेलाइट डीएनए किस कैटेगरी का था, सैटेलाइट डीएनए की अलग अलग कैटेगरी है ना, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट नहीं, मिनी सैटेलाइट से। ही यूज द सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, और इसको इसने बोला था रिपीटेटिव डीएनए के लिए, इसने टर्म यूज किया था वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। टैंडम का मतलब होता है साइकिल के पहिए की तरह एक के पीछे दूसरा आना, एक के पीछे दूसरा आना वो कहलाएगा टैंडम रिपीट बार बार। तो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट कि भैया ATCG ये जो सीक्वेंस का रिपीटेशन, रिपीटेटिव डीएनए ना बार बार रिपीटेशन है, तो टैंडम रिपीट वेरिएबल नंबर कि भैया ये नंबर वेरी का था, ये जरूरी नहीं कि 6 बार रिपीट होगा, कि 8 बार रिपीट होगा, कि 5 बार रिपीट होगा, कि 110 टाइम रिपीट होगा, कि 78 टाइम रिपीट होगा, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट कि बार बार रिपीटेशन, रिपीटेटिव डीएनए है ना, रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि भैया बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग अलग थोड़ी थोड़ी छोटी चोटियाँ बनी, उसको उसने बोला सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं आप, कई सारी कैटेगरी, लेकिन उसमें से दो, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, बेस्ड ऑन क्या, ATCG रेशियो, AT रिच है कि CG रिच है, कितना स्ट्रेच की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, 4 या 6 या 8 या 10, और कितनी बार रिपीट हुआ, इस आधार पर मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट। इन्होंने किसको टारगेट किया था, इन्होंने मिनी सैटेलाइट सेगमेंट से डीएनए को लिया था, जिसके लिए इन्होंने टर्म यूज किया वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। द टेक्निक एज यूज डालिया इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती, अरे भैया डीएनए के सीक्वेंस को पता लगाने के लिए किसी नमूने में पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आप देख रहे हो किसी भी इन अ गिवन सैंपल, व्हेन यू टारगेट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड, अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं उसकी प्रेजेंस है कि नहीं, तो आप ऐसा इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूज करेंगे जिसके हाइब्रिडाइजेशन से अब आप उसकी ऑटो रेडियोग्राफी कराएंगे, तो अगर आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए की प्रेजेंस मिल रही है प्रोब के साथ, वो हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। तो जब आप ये पता लगाना चाहें कोई स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस नमूने में है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग से यू कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन अ गिवन सैंपल,
ठीक है, यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब, और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब। प्रोब क्या होता है? प्रोब होता है सिंगल स्ट्रैंड RNA और DNA टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। व्हाट इज प्रोब? प्रोब इज अ सिंगल स्ट्रैंड DNA और RNA टैग विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। रेडियो एक्टिव उसमें आप तत्व किसी तरह से सिंगल स्ट्रैंड RNA या DNA में आपने रेडियो एक्टिविटी किसी तरह से उसमें टैग कर दिया। टैग का क्या मतलब होता है भैया? किसी चीज़ को पहचानने के लिए अगर आप उस पर कोई लेबल चस्पा कर दें, टैग कर दिया ना आपने उस पर, आपका बच्चा खेलने गया, मानिए आप देखते हो चाइनीज़ के सब बच्चे एक जैसे होते हैं, तो हुंगली चुंगली शुंगली पुंगली का आपस में कैसे पहचानेंगे? उसने उसके माथे पे काला टीका लगा दिया अपने बच्चे को पहचानने का, पहचान लेगा बच्चे को भैया? एक एग्जांपल दिया, बुरा मत मानना, समझाने के लिए। तो ये तरीका होता है जिससे आप टैग लगा दिया आपने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की, बाद में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की आडो रेडियोग्राफी कराएंगे तो आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिख जाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि इसने कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस उसकी सैंपल में थी, उसने बेस पेयरिंग उसके साथ कर ली। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग में जो बात आपने याद में रखनी, एलेक जेफरी साहब थे जिन्होंने इसको डेवलप किया इस टेक्निक को, और उन्होंने सैटेलाइट DNA को एज अ प्रोब यूज़ किया, और उसके लिए उसने टर्म यूज़ किया वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। और ये टेक्निक में सडन ब्लॉटिंग इन्वॉल्व है, सडन ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन। यूज़ क्या कर रहे हैं? रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब को एज अ प्रोब, एंड इट इंक्लूड स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आप आइसोलेशन ऑफ DNA करेंगे, उसके बाद DNA को डाइजेस्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से उसके फ्रेगमेंट करा लेंगे, सेपरेशन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे ताकि अलग अलग सेगमेंट अलग अलग हो जाए लेंथ के, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड DNA सेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, उसके बाद आप उसको सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देंगे। किसको? ये जो DNA के फ्रेगमेंट है, और ट्रीट करेंगे एल्कली से, ये यहाँ लिखा नहीं है, इसको लिख लीजिए, ट्रीटमेंट करेंगे एल्कलाइन सोल्यूशन से। वो किस लिए? कि ये जो डबल स्ट्रैंड DNA है सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाए। भैया सिंगल स्ट्रैंड में बदले बगैर हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होता है सिंगल स्ट्रैंड DNA जब ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री DNA सीक्वेंस के साथ बेस पेयरिंग कर ले तो उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड DNA व्हेन मेक बेस पेयरिंग विद दिस कॉम्प्लीमेंट्री DNA एंड टर्न्स इनटू डबल स्ट्रैंड DNA, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल VNTR प्रोब। भैया अब आपने ये जो हमारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है, अब जिस पे सिंगल स्ट्रैंड DNA है, इस पे आपने रेडियो एक्टिव प्रोब पोर किया, उड़ेला, मौका दिया हाइब्रिडाइजेशन कर ले। अगर तो ये ATCG आपने इसमें क्या दिया, TAGC, ये सीक्वेंस आपने टैग करके दी, आप देखना चाहते हो कि ये इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री DNA बेस सीक्वेंस इसके पास होगी, ये उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज DNA फ्रेगमेंट, अब इसको आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो क्या होगा भैया? अल्ट्रावायलेट रेड्स का उस पर एक्सपोजर देंगे और एक्सरे फिल्म से उसका डेवलप करेंगे। एक्सरे फिल्म पे ये जो हमारे रेडियो एक्टिव होते हैं डबल स्ट्रैंड DNA, वो ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे बैंड के रूप में। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ DNA फिगमेंटेशन DNA फिंगरप्रिंटिंग इज शोन इन फिगर 6.1, उस पर अभी चलते हैं। तो ये सब कर लेंगे तो आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई दे जाएंगे, ठीक है? आ गया समझ में? द VNTR बिलोंग्स टू आ सैटेलाइट DNA रेफर्ड एज मिनी सैटेलाइट। ये जो VNTR प्रोब लिया था इसने, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मिनी सैटेलाइट कैटेगरी से लिया था। स्मॉल DNA सीक्वेंस इज अरेंज रैंडमली इन मैनी कॉपी नंबर, तो ये एक छोटी DNA की सीक्वेंस है जो कई बार कॉपी नंबर मैनी कॉपी नंबर कई बार रिपीट हुई है, रैंडमली रिपीट इन मैनी कॉपी नंबर। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम, अब ये कितनी बार रिपीट हुई है वो कॉपी नंबर कहलाएगा, और हर क्रोमोजोम पे ये हर इंडिविजुअल के हर क्रोमोजोम पे ये अलग अलग है, वो स्पेसिफिक है। यही तो स्पेसिफिक तो हमें डिटेक्ट करना है, हमें बाकी का 99.9% से सीक्वेंस को नहीं डिटेक्ट करना, हमें 0.1% जो डिफरेंस दिखा रहा उसी को डिटेक्ट करना है। तो उसमें हमने टारगेट किसको कर लिया है? रिपीटेटिव DNA को, और रिपीटेटिव DNA जिसको बोला जा रहा है सैटेलाइट DNA, क्योंकि वो अलग बल्क में अलग पीक पे इकट्ठा हुआ है बल्क जीनोमिक के अलावा। उस सैटेलाइट DNA में भी हमने किसको टारगेट किया है? मिनी सैटेलाइट को, मिनी सैटेलाइट कैटेगरी के DNA को टारगेट किया। तो क्रोमोजोम पे
किसी भी क्रोमोसोम पे ये जो सीक्वेंस आपने टारगेट करी है ATCG या कोई भी आप सोच लीजिए AATT AACC ये सीक्वेंस 8 न्यूक्लियोटाइड की, अब आपने देखना है कितनी बार रिपीट हुई है। तो हर क्रोमोसोम पे इसका रिपीटेशन अलग अलग है, ये स्पेसिफिक होता है इंडिविजुअल में, जैसे फिंगरप्रिंट आपके स्पेसिफिक हैं ऐसे ही इसका रिपीटेशन VNTR का रिपीटेशन अलग अलग होता है हर क्रोमोसोम पे हर इंडिविजुअल के। द नंबर ऑफ रिपीट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और ये जो नंबर है नंबर ऑफ रिपीट ये दिखाता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कई सारे इसके वेरिएंट हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 kb, जिसके परिणाम स्वरूप ये VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट इसका जो साइज हो सकता है भाई, किसी किसी में वो एक ही बार रिपीट है, किसी किसी में हजारों लाखों बार रिपीट है, 0.1 to 20 kb हो सकता है। देखिए 0.1 to 20 kb इतना ज़्यादा, किलो बेस, kb का मतलब किलो बेस, किलो का मतलब 1000 बेस, इतना ज़्यादा उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है 0.1 to 20 kb। VNTR का साइज जो हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज, इसके परिणाम स्वरूप जब आप ऑटो रेडियोग्राम करेंगे तो कई आपको बैंड दिखाई देंगे डिफरेंट साइज के। दिस बैंड गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न, और ये जो बैंड आपको दिखाई दे रहे हैं कलर्ड बैंड अलग अलग साइज के, ये स्पेसिफिक हैं किसी एक इंडिविजुअल के लिए। डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, हर इंडिविजुअल में अलग है एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जाइगोट, जाइगोट बनता है दो गैमिट के फ्यूजन से, मेल और फीमेल। तो गैमिट आपका हैप्लॉयड है, मेल गैमिट फीमेल गैमिट हैप्लॉयड है, उनके फ्यूजन से बन गया जाइगोट। ये जाइगोट में पहला डिवीजन जो हुआ, पहला डिवीजन सिंगल सेल जाइगोट है, डिप्लॉयड है, पहला डिवीजन जो हुआ उसमें ये जो दो सेल्स बनी, अब ये सेल्स इंडिविजुअल जाइगोट की तरह बिहेव करेंगी और दो इंडिविजुअल मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाएंगे, राम और श्याम, सीता और गीता टाइप के। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ट्विंस दो तरह के होते हैं, मोनोजाइगोटिक एक ही जाइगोट से बने ट्विंस। अब उनका जो जेनेटिक मटीरियल होगा आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आपको सेम जैसे फिंगरप्रिंट है सेम, ऐसे ही आपको मोनोजाइगोटिक ट्विंस में DNA सेम देखने को मिलेगा। उसमें आपको दोनों में 0.1% भी डिफरेंस नहीं होगा, जो डिफरेंस है 100% DNA सेम होगा। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बात भी याद रखिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली DNA फ्रॉम सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म द DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, इसलिए क्योंकि आप मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। PCR अलग से मेरा लेक्चर डाला, PCR से क्या करते हैं मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं, मैनी टाइम एम्प्लीफाई कर लेते हैं DNA को। तो सिंगल सेल से लिया DNA भी काफ़ी है DNA फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज इन डिटर्मिनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसकी सहायता से हम लोग इसको फॉरेंसिक मेडिसिन में तो अप्लाई कर ही रहे हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग को उसके सहायता ले रहे हैं, पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी डिफाइन करने में डिटरमाइन करने में इसका रोल है। Currently many different probes are used to generate DNA fingerprinting, और आज की तारीख में कई तरह के प्रोब का इस्तेमाल किया जा रहा है DNA fingerprinting को करने के लिए। आइए अब इसमें से कुछ एक्स्ट्रा आपको अगर मैं देना चाहूँ तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं आपके बुक की ही, ये बना रखी मैंने स्लाइड, इसमें कुछ नया आता है ये तो आप समझा ही दिया आपको। एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन इन सिंपल टर्म, आगे चलते हैं। दिस म्यूटेशन दिस इज आई डिग्री फॉर रिवोल्यूशन स्पेसिफिकेशन द टेक्निक यूज ऐसा द टेक्निक यूज अर्लियर सदर्न ब्लॉटिंग, सब वही बातें हैं, कोई भी नया नहीं। हाँ ये देखिए ट्रीटमेंट विद एल्कली, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट एंड ट्रीटमेंट विद एल्कली, एल्कली से ट्रीट कर लेंगे, उसके बाद आपने ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेलुलोस मेम्ब्रेन पे। ये जो ट्रीटमेंट विद एल्कली किया है भैया, आपने किसी सेल से निकाला, वो डबल स्ट्रैंड DNA है, डबल स्ट्रैंड DNA हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी ना करेगा, बट पहली डबल स्ट्रैंड है उसको सिंगल स्ट्रैंड में बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रीटमेंट विद एल्कली करते हैं। ये वहाँ जोड़ लीजिए अपने आप किताब में। चलिए VNTR बिलोंग्स टू सैटेलाइट DNA रेफर्ड एज मिनी सैटेलाइट, कॉन्सिक्वेंटली सारी वही बातें हैं, आगे चलते हैं, कोई नया आता है तो आपको। करेंटली मैनी प्रोब्स आर यूज, ये आपकी गोल्डन लाइंस है जो आपसे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनको रट लो, घोट लो, रट लो, दिन में 3 बार सिरदर्द की गोली की तरह इनको पढ़ लो, या तो पूरा मेरा लेक्चर देख के समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये लाइनें अगर आपको याद होंगी तो आप आंसर कर पाओगे। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए आगे चले इतने सारे के बाद। अब देखिए यहाँ पे आइए, एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज
इतने बेस पेयर का है, हाउ मेनी सीक्वेंसेज वुड बी डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल हु आर नॉट रिलेटिव, दो इंडिविजुअल में कितनी आपको बेस सीक्वेंस डिफरेंस देखने को मिल सकती है, 0.1% केवल, 99.9% सेम है, 0.1% इसका कितना होगा, 3×10⁶ बेस पेयर होगा हमारा आंसर होगा, ये आपकी NCERT से ही क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। अब देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग किया आपने, 6 ऑर्गेनिज्म में है, इससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये मॉम है, ये डैड है, ये 4 बच्चे हैं, अगर हमसे पूछा जाए कौन सा बच्चा इनका है कौन सा बच्चा इनका नहीं है, तो देखिए ये जो पैटर्न है DNA फिंगरप्रिंटिंग जब आपने करी क्रोमोसोम पर्टिकुलर इस क्रोमोसोम पे, ये बैंड इतना लंबा रिपीटेटिव DNA VNTR, ये सेम इसमें इनहेरिटेंस हुआ और ये इसका हुआ, तो चाइल्ड वन जो है इन दोनों का बच्चा है, ठीक है जी, चाइल्ड वन जो है इन दोनों का बच्चा है, चाइल्ड टू आपका ये मदर का है, मदर से ये आया क्रोमोसोम, फादर का कोई भी क्रोमोसोम इसमें नहीं दिख रहा, फादर का जो ये पैटर्न है ये पैटर्न इसमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब है चाइल्ड टू केवल मदर का बच्चा है, ठीक है। चाइल्ड थ्री पे आइए, चाइल्ड थ्री में फादर का ठीक और मदर का भी ठीक, तो चाइल्ड थ्री दोनों का है। चाइल्ड फोर पे आइए, चाइल्ड फोर किसी का भी नहीं है, तो हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला चाइल्ड थ्री के मम्मी पापा हैं ये, चाइल्ड टू मॉम का कंट्रीब्यूशन है केवल, और चाइल्ड वन और फोर किसी का भी नहीं, ठीक। देखते हैं अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, हाँ जी, तो चाइल्ड वन एंड थ्री चिल्ड्रन ऑफ मॉम एंड डैड वन, ये देखिए इसका और इसका आ गया, तो चाइल्ड वन और थ्री, थ्री में ये इसका आ गया और ये वाला इसका आ गया, तो चाइल्ड वन और थ्री दोनों ही मॉम डैड के हैं, चाइल्ड टू इज़ द चाइल्ड ऑफ मॉम, चाइल्ड टू में मॉम का जो क्रोमोसोम इनहेरिटेंस हुआ है, पैटर्न जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है चाइल्ड टू में, ठीक है। चाइल्ड फोर में किसी का भी नहीं, तो चाइल्ड फोर किसी का भी नहीं, इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब ये देख लीजिए जो आपकी बुक का डायग्राम है, इसमें इसने दिखाया है इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी, बेसिकली है क्या, ये इंडिविजुअल ए और बी, ये आरुषि मदर हत्याकांड आपको याद होगा, मर्डर केस हेमराज वाला, तो उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग करी गई थी, मानिए क्राइम सीन से आपको ये मिला है DNA जिसकी आपने करी है फिंगरप्रिंटिंग, और दो इंडिविजुअल हैं जिन पे आपको शक है ए और बी, उनकी आपने अगर DNA फिंगरप्रिंटिंग करी, तो ये वाला DNA जो क्राइम सीन से मिला किससे मैच हो रहा है, ये वाला DNA हमारा इससे मैच हो रहा है, ये देखिए, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 7 पे 11 बार रिपीट और इधर हमारी 11 बार रिपीट ये दिखा रहा, तो ये समझ में आ रहा बेंडिंग पैटर्न, ये जो हमारा पैटर्न है बैंड पैटर्न किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम नंबर 16 पे देखिए 5 बार और 2 बार रिपीटेशन है, 5 बार और 2 बार रिपीटेशन है, यहाँ पे अलग है, तो ये अगर हमसे क्राइम सीन से जो हमको मिला है DNA वो किस इंडिविजुअल का हो सकता है, सीधी सी बात इंडिविजुअल बी का है, DNA फ्रॉम क्राइम सीन, और किससे मैच कर रहा, मैच कर रहा है ये विद इंडिविजुअल बी, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है इंडिविजुअल बी क्राइम सीन पे था, ये होता तरीका DNA फिंगरप्रिंटिंग का, तो इस तरह के बैंड आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूरी जानकारी। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग इज द मेथड यूज इन मॉलिकुलर बायोलॉजी फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस इन DNA सैंपल, बता दिया था आपको, ये तो हो गया आपका सदर्न ब्लॉटिंग। अब आप आइए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग पे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक RNA सीक्वेंस, ये DNA सीक्वेंस पता लगा रही है, RNA सीक्वेंस पता लगा रहा किसी भी गिवन सैंपल में नमूने में। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फर्स्ट सेपरेट सैंपल बाय साइज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिफोर दे आर ट्रांसफर टू द ब्लॉटिंग मैट्रिक्स एंड डिटेक्टेड बाय लेबल्ड RNA प्रोब। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम लोग प्रोटीन की प्रेजेंस को पता लगाते हैं, तो सदर्न ब्लॉटिंग करी जाती है स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस का नमूने में पता लगाने के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करी जाती है स्पेसिफिक RNA सीक्वेंस का किसी गिवन सैंपल में पता लगाने के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग करी जाती है स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन का प्रेजेंस किसी गिवन सैंपल में पता लगाने के लिए। प्रोब्स क्या है, प्रोब हमने आपको बताया था स्मॉल DNA सेगमेंट और RNA सेगमेंट, सिंगल स्ट्रैंड DNA और RNA टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। ऑटो रेडियोग्राम क्या, फोटोग्राफ प्रोड्यूस बाय एक्सपोजिंग अनडेवलप्ड फिल्म टू आ रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल, रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल है DNA RNA रेडियो लेबल्ड, अब आपने फोटोग्राफ उस पर एक्सरे को आपने
प्रोड्यूस किया है वो कहलाएगा ऑटो रेडियोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानकारी। डीएनए सैटेलाइट डीएनए इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन सैटेलाइट डीएनए यूजफुल टूल है फॉरेंसिक मेडिसिन में, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए से आप क्या कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप डिस्प्यूटेड पैटर्निटी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्रिमिनल केस या सिविल लॉ में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी बंदे की प्रेजेंस वहाँ थी कि नहीं थी इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। द प्रोब्स फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रोब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए अननोन और लेबल्ड होगा, तो नोन सीक्वेंस होगी, नोन सिंगल स्ट्रैंड लेबल्ड डीएनए, नोन सीक्वेंस है वो, तो सीक्वेंस आप टारगेट कर रहे हो ना, आपको सीक्वेंस नोन है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आपने उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, उसको रेडियोएक्टिव तत्व से आपने टैग कर दिया। इन फॉरेंसिक मेडिसिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूजफुल टेक्निक टू ट्रेस जेनेटिक आइडेंटिटी, रिलेटेडनेस, टिश्यू मैचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टिश्यू डज नॉट फाइंड एनी यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो भैया रेथ्रोसाइट हमारे किसी काम के नहीं, क्यों नहीं काम के, ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं है तो भैया डीएनए नहीं है, जब उसमें डीएनए है ही नहीं तो रेथ्रोसाइट आपके क्या काम आएंगे, हमें क्या करना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो रेथ्रोसाइट हमारे किसी काम के नहीं है। तो इसके साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म। 40-45 मिनट मैंने आपसे कहा था मैं लूँगा, वीडियो बन गई है 55 मिनट की, सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूँगा अगली बार से आपका 30 मिनट में आपको एक एक टॉपिक पढ़ाता चलूँ। टॉपिक आपको पसंद आया, वीडियो के आखिरी तक आ गए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले 50 डेज में आप कौन सा टॉपिक आप चाहते हो, आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर इस टॉपिक की आप बना दीजिए, तो मैं वो टॉपिक की वीडियो आपके लिए बना दूँगा, ज़रूर बना दूँगा। ओके, मिलता हूँ ब्रेक के बाद, टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।